थी वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। ईश्वर का हम पर इसलिए बड़ा मैं अनुकंपा मानता हूँ कि जो पिछले ही वर्ष उनके साथ एक गाना हमने गाया हम हिंदुस्तानी, और वो बहुत उसको प्रेम मिला भारत से, पूरे विश्व से, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी जी की ये बहुत ही प्यारी एक पहल थी। उन्होंने एक रैकेट कंपनी का प्रारंभ किया था इसी से, श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं, लता जी भी हैं, और मैं भी उसका बहुत अहम हिस्सा हूँ। मुझे गर्व है कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थी, और ईश्वर की अनुकंपा भारत के ऊपर इसलिए भी मानता हूँ कि ये कोई दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। तो ये देखिए, तत्पश्चात एक और संयोग जुड़ा है, कवि प्रदीप, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज उनका भी जन्म दिवस है। कुदरत की बात देखिए कि आज जब पूरे विश्व की आंखों में पानी है कि लता जी आज पंच तत्व में विलीन हो गई हैं, उनका काया, उनकी देह, तो आज देखिए कैसे दो संयोग हैं। उनकी विदाई भी ऐसे दिन पर हुई कि जब उनको भी याद किया जा रहा है, इनको भी, और आंखों में पानी है। तो ये बहुत ही बड़े दैवीय संयोग हैं मेरे भारत के ऊपर। मेरा भारत तपस्वियों का देश है, मेरा भारत सिद्धों का देश है, मेरा भारत बहुत ही संतों का और महंतों का और बहुत ही ज्ञानियों का देश है। उनकी तपस्वियों तपस्याओं के फल स्वरूप ऐसी दिव्यात्माएं अवतरित होती हैं। मेरे भारत को युगों युगों तक लता जी इसलिए प्रेरित करती रहेंगी अपने सत्य से, अपने कृत्य से, कि जब देशभक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा, जब ईश्वरीय भक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा। जब तक मानव जाति जीवित रहेगी इस जगत में, इस चराचर जगत में, जब तक मनुष्य को प्रेम करना ये अनुभूति जीवित रहेगी, तब तक लता जी प्रेरित करती रहेंगी। तो लता जी हमारे स्वप्न में, हमारे हकीकत में, हमारे कृत्यों में, हमारे सत्यों में सदैव जीवित रहेंगी। लता जी ने इतना हमको ज्योतिर्मय कर दिया है मेरे भारत को, मेरे भारत की संपदा को, कि उनके हर प्रयोजन के लिए उनके गाने हैं इस पृथ्वी पर। रचनाकारों के गाने वो गाती थीं तो उसमें श्रृंगार भर देती थीं और अलंकार भर देती थीं। तो इस तरह की दिव्यात्माएं जो होती हैं वो परमात्मा ही भेजते हैं गंधर्व रूप बनाकर। मेरी बहुत प्रार्थना है समस्त भारतवासियों से, समस्त विश्ववासियों से, जो उनको प्यार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनको परमात्मा शक्ति दे ये पीड़ा सहने की। तत्पश्चात उनका पंच तत्व जो देह है उसको सदगति मिले, परमात्मा उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में रखें। हरि ओम, ओम शांति। वाकई जब आज भी हम उनका वो गीत सुनते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वाकई हमारी आंखों में पानी आ जाता है। आज भी उनका ये गीत अगर हम सुनते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हो गए हों। वो आवाज, वो जो आवाज थी लता मंगेशकर जी की, वो आज भी कानों में गूंजती है। ऐसे ऐसे गाने हैं कि अब मैं जिक्र करूं तो समझ लीजिए आपका पूरा चैनल का सारा फुटेज है, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस वक्त उनके गानों का जिक्र ना करें, इस वक्त तो उनके व्यक्तित्व का ही जिक्र करें। सौम्यता और विनम्रता की वो प्रतिमूर्ति थी और वो सम्मान और आदर का पर्याय थी। जिससे भी बात करती थी, जब जब हमसे बात की उन्होंने, जब जब हमसे मुलाकात की, जब जब हमें संयोग और परमात्मा का सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसा लगता था जैसे कोई कोमल देवी कोई एकदम बाल रूप लेकर बात कर रही है। बहुत ही मध्यम मुस्काती हुई, बहुत ही प्यार से बात करती हुई। ये बहुत हमारी इस संतति को और आने वाली संततियों को सीखने की आवश्यकता है कि लता जी जैसा व्यक्तित्व होना ये बड़ी बात है। गुण तो देखिए परमात्मा देकर भेजते हैं, परंतु व्यक्तित्व तो हमें ही निखारना होता है अपने जीवन में। हमारे अपने कृत्यों से, हमारे अपने सत्यों से पता चलता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं।